मई मंथ के करंट अफेयर्स में सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये करंट अफेयर कह रहा है कि ये मतलब डिफेंस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है कि कौन सी एक शिप को जो है रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया है। डीकमीशन का मतलब क्या होता है, उसको अब जो है आजाद कर दिया गया, मतलब अब उसका कोई यूज नहीं है। एक तो होता है वर्ड कमीशन, कमीशन करने का मतलब होता है उसको अप्रूव करना। एक होता है डीकमीशन, डीकमीशन का मतलब होता है उसको अब मतलब अब छूट दे दी गई है, अब वो जो है वो रिटायर हो गया, जिसे हम कहते हैं रिटायर हो जाना, ये है रिटायर हो गई। ठीक है, लिख लो इसको, ये वाली इम्पोर्टेंट है। INS गोमती, शिप का नाम लिखेंगे, INS गोमती रिसेंटली गॉट डीकमीशन। ठीक है, ये अभी डीकमीशन हुई है, सीधा करंट अफेयर है इसके अंदर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे भाई, एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, ऑपरेशन रक्त चंदन नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन रक्त चंदन। रक्त चंदन का मतलब है यहाँ पर चंदन की जो लकड़ी होती है। आप लोगों ने मूवी देखी है पुष्पा, अगर आपने मूवी देखी है पुष्पा तो आप ये समझ सकते हैं, उसमें भी ये चीज दिखाया है कि किस तरीके से लाल चंदन का जो है वो गलत तरीके से जो है उसको बेचा जाता है बाहर की मार्केट में। तो यही है ये वाली चीज भी, तो इसको भी एक बार लिख लो, ऑपरेशन रक्त चंदन, ये पर्पस क्या है उसका, ये लिख लीजिए। ये ऑपरेशन रक्त चंदन किया गया ताकि जितनी भी इस तरीके की गलत तरीके से ये चीज की जा रही है, जो ये बेचा जाता है, इसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है। तो जिस तरीके से ये स्टेप लिए जा रहे हैं ना, इसको कंट्रोल किया जा सके, उसे हम कहते हैं, उसका नाम है ऑपरेशन रक्त चंदन। ठीक है, मतलब ये याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, आ सकता है इससे क्वेश्चन। ठीक है भाई, बड़े आगे इसके बाद, नेक्स्ट इसके बाद, ये रक्त चंदन जो है, ये वाली चंदन कहाँ मिलती है, ये ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश के रीजन में मिलती है, लिख लीजिएगा साथ साथ ही, मिलती कहाँ पर है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये चीज जो है स्पेसिफिकली मिलती कहाँ पर है। तो ये आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बड़े भाई आगे नेक्स्ट। हाँ भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसेंटली उस समय जब जबकि ये न्यूज है मई मंथ की, मई मंथ में जो है एक समिट हुआ था जिसका नाम है क्वाड। अब क्वाड में क्या क्या कंट्रीज आती है वो मैंने आपको बताई हुई है, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका समिट जो है, इस बार की जो मीटिंग हुई थी वो जापान की कैपिटल टोक्यो में हुई थी। तो ये टोक्यो में जब ये जापान की कैपिटल में हुई, तब यहाँ पर ये सब लोग पहुंचे थे। ठीक है, मोदी जी भी गए थे वहां पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनको यहाँ पर कुछ गिफ्ट किया है। क्या चीज गिफ्ट करी है, दैट इज सांझी आर्ट फॉर्म। ये सांझी आर्ट फॉर्म, ये पिक्चर भी यहाँ पे रखी है मैंने, ये यहाँ पर गिफ्ट करी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा सांझी आर्ट फॉर्म कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो ये यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी में एक कृष्ण जी जो है, कृष्ण भगवान की पिक्चर के ऊपर ये चीजें बनी हुई है। तो ये सांझी आर्ट फॉर्म इज रिलेटेड टू दी कृष्ण, वो गॉड है कृष्ण, उनसे जुड़ी हुई है। लिख लीजिए, ये परफॉर्म की जाती है, इस पर कृष्ण की छवि बनाई जाती है, पिक्चर्स ऑफ कृष्ण आर मेड ऑन दिस। ठीक है भाई, याद रखिएगा क्या गिफ्ट करा है, कहाँ से बिलोंग करती है, इस क्वेश्चन आते हैं सीधा, वो गिफ्ट का नाम पूछ लेंगे आपसे, ये बिलोंग कहाँ से करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद, ये आपको मैंने कल भी बताया था ना, प्रोजेक्ट 75 में INS खंडेरी लिखवाए थे ना, ये पिक्चर आप देख लीजिए, INS खंडेरी की पिक्चर ये है। लिखना नहीं है इसमें कुछ भी, इसको सिर्फ मतलब मैंने कल बताया था आपको, तो उसी रिस्पेक्ट में पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, लिखना कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली एक मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मिशन, मालवीय मिशन।
मालवीय मिशन क्या है यहाँ पर? मालवीय मिशन जो है वो टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ मिशन है। क्यों? क्योंकि जो मालवीय थे, आपने इनका नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। ये जो है इंडिपेंडेंस के समय में ये एक फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही साथ ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे। इन्हीं के नाम पर जो है नीचे एक अभी एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। साथ ही साथ इनको आप हिस्ट्री में और क्यों जानते हो, ये वही पर्सन है जिन्होंने आज के समय की BHU, BHU इज व्हाट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनवाई थी 1916 में। ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके साथ मिलके बनवाई थी? एनी बेसेंट के साथ। दोनों ने मिलके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एनी बेसेंट, ये दोनों चीजें इन्होंने यहाँ पर कराई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, तो इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनको टाइटल दिया गया था महामान का, लिख लीजिए किसने दिया था, महात्मा गांधी ने इनको महामान का एक टाइटल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, मालवीय मिशन टीचर एजुकेशन, क्वेश्चन आएगा मालवीय मिशन किससे जुड़ा हुआ, टीचर एजुकेशन फैकल्टी एजुकेशन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मिशन है। नेक्स्ट, रिसेंटली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी रिसेंटली ही एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। कहाँ है रामगढ़ टाइगर सेंटर? ये है राजस्थान में, लिख लो। राजस्थान का नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक नया टाइगर रिजर्व बन गया है और इसके बाद यूपी में भी बन गया है, रानीपुर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये लास्ट ये बना है, ये अभी कुछ दिन पहले बना है और मे मंथ में रामगढ़ बना था। रामगढ़ इज इन राजस्थान, रानीपुर इज इन यूपी। बस ये याद रखनी जगह कहां पर है। ठीक है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा ये जगह कहां पे लोकेटेड, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे। अभी रिसेंटली ही मतलब मे मंथ में जो है हमारे जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया है, भद्रवाह एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। ठीक है, लैवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करा है, लैवेंडर पहली बार किया गया है। ठीक है, ये भद्रवाह कहाँ लोकेटेड है? जम्मू में लोकेटेड है और ये भद्रवाह वही प्लेस है जहां पर आप कह सकते हो भारत का पर्पल रिवॉल्यूशन की बर्थ प्लेस है, जहां पर पर्पल रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ भद्रवाह में और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ पर? भद्रवाह को और क्या बोला गया है? इट इज द पोटेंशियल डेस्टिनेशन ऑफ एग्री स्टार्टअप्स इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, ये भद्रवाह एरिया उसमें काफी इंपॉर्टेंट, या फिर आप कह लो काफी एक इंपॉर्टेंट जगह बनने वाला है। साथ ही साथ भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में और क्या ओपन किया गया? बनेगा, अभी हुआ नहीं है, बनेगा क्या चीज? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया जा रहा है। ठीक है, लैवेंडर किस में यूज किया जाता है? लैवेंडर को एरोमा, बहुत अच्छी खुशबू, फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में परफ्यूम्स यूज करे होंगे ना लैवेंडर के, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है लैवेंडर की, बहुत अलग अलग कंपनीज इसको बनाती है। तो कॉस्मेटिक्स हो गया, परफ्यूम्स हो गए हमारे। ठीक है, साथ ही साथ मेडिसिन में भी कई बार इसको
यूज किया जाता है। तो लैवेंडर काफी एक इम्पोर्टेंट है, जो कि एक फ्लावर की एक स्पीशीज है, और ये अलग अलग कलर में हो सकता है, ब्लू, वायलेट, पर्पल, इन कलर में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये जो मैंने सामने लिखा है इसको लिख लो, और जस्ट जो अभी ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट्स बाद में, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाद में चाहे नोट कर लेना आप लोग जो दो तीन अभी रिसेंटली ज्वाइन किए स्टूडेंट्स। चलिए मैं हटा रही हूँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी रिसेंटली ही इंडिया और फ्रांस की जो दोनों नेवीज हैं, इंडिया और फ्रांस की नेवीज ने आपस में मिल करके जो है एक आइलैंड है जिसका नाम है ला रीयूनियन आइलैंड, ला रीयूनियन आइलैंड में रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सेशल्स के पास। ये मैंने सेशल्स भी आपको बताया है, मॉरिशियस भी बताया है, मेडागास्कर भी बताया है, कभी इनके नाम बताए हैं मैंने, उसी के पास में छोटा सा आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड, जो कि फ्रांस के कब्जे में है आज भी। तो वहां पर इंडिया और फ्रांस ने रीयूनियन आइलैंड में किया। तो रीयूनियन आइलैंड की लोकेशन क्या है? इंडियन ओशन। क्वेश्चन आ सकता है, इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। ठीक है भाई, इसको भी याद रखिएगा, लोकेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, और किसके अंडर है वो भी पता होना चाहिए, फ्रांस के पास है। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरनेशनल टी डे, May 21 को मनाया जाता है। तो टी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ टी का क्या है, और 21 मई को ही क्यों है, मई मंथ में ही क्यों, क्योंकि मई मंथ वो मंथ है जब टी की जो आप कह लो प्रोडक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, टी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है मई मंथ में, इसलिए। ठीक है, टी है इंटरनेशनल टी डे, और भारत में टी सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, विच स्टेट? असम। यस, असम, असम। ठीक है, असम में टी सिटी कौन सी है? टी सिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक मैंने कल बताया था ना, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ इज द टी सिटी ऑफ इंडिया, जो कि आसाम में ही लोकेटेड है। एक फेमस और भी है बहुत ज्यादा, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, यस। और एक टी और फेमस है, कांगड़ा टी, लोकेशन हिमाचल प्रदेश। ये टी कुछ फेमस और टीज इंडिया की है, और टी को कंट्रोल करने के लिए, टी को कंट्रोल करने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया जा चुका है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर, टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसके लिए ऑलरेडी बनाया जा चुका है, और टी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट इज इन कोलकाता। टी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स जो है वो कोलकाता में, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के एरिया में ज्यादा उगाई जाती है ना, इसलिए वहीं पर इसके हेडक्वार्टर्स भी बने हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे टी से जुड़े हुए, इस पर लिख लीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद यहां तक नोट कर लिया। ये मैं हटा रही हूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये एक पूरा सेंटर कहाँ ओपन किया गया है? गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस लुम्बिनी, नेपाल में। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बुद्धिस्ट है वो कल्चर जापान में भी, सॉरी नेपाल में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया के कुछ हिस्से जो नेपाल से टच करते हैं, जैसे कि यूपी और बिहार। तो यहाँ पर यूपी और बिहार में जो ये एक सेंटर है, यहाँ पर मोदी जी गए थे उधर, और वहां पे एक सेंटर ओपन करके आए हैं, बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर, लिख लीजिए इसको।
ठीक है भाई, लिख लेना। आप जानते हैं ना, सब लोग बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में। बुद्ध जो है यहाँ पर, बुद्ध का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पूरा इस चीज के लिए है। वो उनका जो जन्म था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, बाकी उनकी जो लाइफ के सारे इवेंट्स हैं वो इंडिया में हुए थे, इसलिए इंडिया और नेपाल बुद्धिज्म को शेयर करता है आपस में। ठीक है, लिख लेना ये कहाँ पे ओपन किया है रिसेंटली, सेंटर वेयर इट हैज बीन ओपन। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, एक मिनट रुकेंगे। हाँ अब लिखो, संगीता कला निधि अवार्ड्स। मई मंथ में संगीता कला निधि अवार्ड्स, ठीक है, ये दिए गए हैं। अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा कि संगीता कला निधि अवार्ड्स किसके लिए, क्या लग रहा है आपको, किस फील्ड में दिए जाते हैं? पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक या स्कल्पचर बनाने? आई थिंक म्यूजिक मैम। यस, इट इज गिवन फॉर द कार्निचिक म्यूजिक। दिस इज गिवन इन द किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं, लिख लीजिए। ये कार्निटिक म्यूजिक, कार्निटिक म्यूजिक क्या होता है? कार्निटिक म्यूजिक होता है जो साउथ का म्यूजिक है ना, उसको यहाँ प्रमोट करने के लिए। तो ये यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं टू प्रमोट दी कार्निटिक म्यूजिक, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कार्निटिक बेसिकली प्लेस है साउथ में, वहां से ये नाम निकल के आया है। ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, मतलब आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन सकता है। आपने सुना है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, सब लोगों ने पढ़ा तो है कभी ना कभी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एन से न्यू है, नेशनल नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये स्पेसिफिकली ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स में बी क्या है? ब्राजील, रशिया, आई से हमारा इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये पांच कंट्रीज की जो ग्रुपिंग है ब्रिक्स, इन्होंने अपना खुद का एक बैंक ओपन किया है ना 2014 में किया था एनडीबी के नाम से। तो पांच कंट्रीज तो उसके मेंबर हैं ही, बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसमें और कंट्रीज को जोड़ा जाने लगा। ब्रिक्स में नहीं जोड़ा है, एनडीबी में जोड़ा है। एनडीबी में जो है कंट्रीज और ऐड की गई हैं जिन्होंने डिमांड उठाई है, जैसे कि इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएई, इन तीन कंट्रीज को ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है अंडर एनडीबी, लिख लीजिए इसको। एनडीबी में ऑलरेडी इन कंट्रीज को जोड़ा जा चुका है, ब्रिक्स में नहीं जुड़ा है, याद रखना। मैं डिफरेंस समझा रही हूँ दोबारा से, ब्रिक्स में सिर्फ पांच ही है, ब्रिक्स के बैंक एनडीबी में नई कंट्रीज आ गई। इन पांच के अलावा कौन सी तीन है जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं? इजिप्ट से, यूएई से, बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अच्छे का मतलब कि कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बट ये कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम इनके साथ रिश्ते अच्छे कर भी सकते हैं बिना किसी इशू के, ठीक है ना? तो ऐसा है इनके साथ। फिर अब क्या हुआ, जो ब्रिक्स है इसका मेन जो हेडक्वार्टर है ये एनडीबी का, एनडीबी के हेडक्वार्टर्स हैं चाइना के अंदर, ठीक है, और इसका एक रीजनल ऑफिस भी है। ध्यान से समझना बात को पूरी, तभी समझ आएगा। इसका रीजनल ऑफिस एक बनाया जा चुका है जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये ऑलरेडी था। करंट अफेयर्स में क्या है, अब रिसेंटली इसका ऑफिस भारत में खोला गया है, रीजनल ऑफिस इंडिया में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह? नाम है उसका गिफ्ट सिटी। नाम उसका क्या रखा गया है? गिफ्ट सिटी। कहाँ पे है ये? गुजरात के अहमदाबाद में नाम रखा है उसका गिफ्ट सिटी। वैसे गिफ्ट की भी फुल फॉर्म है, वैसे को कोई बताएगा गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है इसमें? गुजरात
इंटरनेशनल, फाइनेंशियल, टेक सिटी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, ये भी न्यूज में है सारी चीजें, इसको लिख लो सब लोग। ठीक है भाई, नोट कर लियो, हटा दो स्क्रीन को, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली स्क्रीन है ना वापस नहीं आएगी, ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वापस नहीं आएगा, इसलिए अगर आपने नोट कर लिया हो सिर्फ तभी मुझे यस का मैसेज करना, अदरवाइज फिर। मैम गिफ्ट सिटी एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे प्लीज? गिफ्ट सिटी क्या है कि जैसे एक रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका में हुआ, सेम ऐसे ही अब भारत में एक और रीजनल ऑफिस ओपन किया जा रहा है, दैट इज गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में एक सिटी स्मार्ट सिटी करके बनाई जा रही है, नाम रख रहे हैं उसका गिफ्ट सिटी, एंड दिस इज द फुल फॉर्म फॉर गिफ्ट, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी हमें लेन देन करना है इंटरनेशनली फाइनेंसेस का, वो एक हब बनाया गया है गुजरात के अंदर, बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है जहां पे काफी सारी चीजें प्रमोट की जाएंगी इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंसेस के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए चाहे, वैसे इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो शांघाई चाइना में, ठीक है, बट अब इसके ऊपर एक रीजनल सेंटर गुजरात में भी ओपन किया जा रहा है, ओके गुजरात में, ओके बाकियों के लिए भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो मैम, ठीक है, ओके सो हिलाल मलिक आपका ही इशू है, बाकी स्टूडेंट्स को तो वॉइस ठीक आ रही है, ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर, जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी का नाम बोलेंगे मतलब बताएंगे, मनोज सिन्हा, यस मनोज सिन्हा, ठीक है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, ये रिसेंटली मतलब मई मंथ में एक जगह विजिट होके आए थे, तो मैंने सोचा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ये जो है मारतांड सन टेम्पल होके आए थे, ठीक है, सो मारतांड सन टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊं यहाँ पर, मारतांड सन टेम्पल, ठीक है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल में से एक है, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है और बनाया किसने था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये लोकेशन बताएंगे जरा इसकी, अनंतनाग, यस अनंतनाग, करेक्ट, अनंतनाग में ये लोकेटेड है, और ये बनाया किसने था, इट इज बिल्ट बाय दी ललित आदित्य, यस कारकोटा डायनेस्टी के थर्ड रूलर, द पर्सन इज ललित आदित्य मुक्तापिदा, ललित आदित्य जो है इन्होंने इनको डेवलप कराया था, ठीक है, और मारतांड सन टेम्पल का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, पांडव लाइदन, ठीक है, मारतांड क्या होता है, मारतांड का मतलब ही होता है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य भगवान जो है, सूर्य देव मतलब जो सूर्य है सन है उनको डेडिकेट है, ठीक है, वहीं से ये नाम भी निकल के आया है, फिर उसके बाद यहां पर इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किसने किया था, हु हैज डिस्ट्रॉयड दिस टेम्पल, नाम बताइए उनका, हु हैज डिस्ट्रॉयड, याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं लिखवा देती हूँ, लिख लो सिकंदर शाह मीरी, सिकंदर शाह मीरी, मारतांड सन टेम्पल, जिसका दूसरा नाम आपको मैंने बताया, इट इज इम्पोर्टेंट, दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, सिकंदर शाह मीरी के कहने पर इनको डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, मतलब क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर मारतांड से, क्योंकि अभी रिसेंटली होके भी आए हैं वहां पर, तो क्वेश्चन बन सकता है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट उसके बाद ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे पहली ऐसी सिटी जिसने एक रजिस्टर बनाया है, रजिस्टर ऑफ बायोडायवर्सिटी, जितने उनकी स्टेट के अंदर बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी समझते हो ना सब लोग, बायोडायवर्सिटी इज द मिक्सचर ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दैट पर्टिकुलर सिटी, तो उस स्टेट में जितने भी फ्लोरा फौना है उस पूरे के ऊपर उन्होंने यहाँ पर एक रजिस्टर प्रिपेयर किया है, जिसका जो कौन सी सिटी ने किया है, कोलकाता, लिख लीजिए इसको, कोलकाता ने यहाँ पर एक पूरा रजिस्टर प्रिपेयर किया रिलेटेड टू दिस थिंग। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो इसके बाद एक्सरसाइज बोंगो सागर। हाँ भाई, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये एक्सरसाइज बोंगो सागर क्या लगता है किसने की होगी, किसके साथ होगी, इंडिया और किस कंट्री के साथ, बोंगो और सागर है, सागर का मतलब क्या हो गया, नेवी की एक्सरसाइज है, बोंगो से हमें क्या समझ में आ रहा है, बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज है जिसका नाम है बोंगो सागर, जो कि इस बार का जो इसका वेन्यू है वो क्या है, बांग्लादेश में ही किया गया है, पोर्ट मोंगला। पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में ही इसको कंडक्ट किया गया है, ठीक है ना। लिख लेना ये, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे, इसमें हाँ ये वाला पहले लिखेंगे, ऑपरेशन नमकीन, ऑपरेशन नमकीन, नमकीन नाम से ऑपरेशन है जिसमें क्या बरामद की जाएगी, कोकेन, कोकेन जो है, जो इलीगल यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 52 केजीज ऑफ कोकेन को भी, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपीज है मार्केट में, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो एक बरामद की गई है, सीज की गई है इतना अमाउंट, इसको भी लिख लीजिए, ऑपरेशन नमकीन। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है भाई, निकले ये वाला। नेक्स्ट यहां पर ये वाला, आई थिंक ये वाला मैंने आपको लिखवा दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिया, एक बार चेक करो जरा, ये टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, बुकर प्राइज, लिखवा दिया, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था, एक तो होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, एक होता है मैन बुकर प्राइज, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था, ठीक है। ये दिया गया है इस बार का इनको, गीतांजलि को, ठीक है, ये इंडिया में दिल्ली की रहने वाली है ये लेडी, ये आप जिनकी पिक्चर देख रहे हैं ये वाली। मैन बुकर प्राइज किसको दिया गया, श्रीलंका के पर्सन को, ये भी बताया था मैंने, श्रीलंका के पर्सन है, श्रीलंका के एक नॉवलिस्ट है, उनको ये प्राइज दिया गया है। सो ये डिफरेंस है, क्वेश्चन देख लेना भाई क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है इसको ध्यान रखना, बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज, बुकर प्राइज पूछ रहा है तो गीतांजलि श्री, मैन बुकर पूछेगा तो श्रीलंका के, श्रीलंका के बुक का नाम क्या है, मतलब जिस पर्सन को मिला है बुक का नाम उनकी क्या है, मतलब नॉवल का नाम लिख लो जिनको नहीं पता, सेवन मून्स ऑफ मैली अल्मेडा, नॉवल है सेवन मून्स ऑफ मैली या मल्ली अल्मेडा, लिखने वाले पर्सन का नाम है इस बुक को शिहान करुण, करुणा लितका, ऑप्शन में आएगा तो पहचान लोगे राइट, तो ये दो अलग अलग हैं, दोनों इसी बार दिए गए हैं अभी ही, ठीक है, दोनों ही करंट अफेयर में है, तो अपना याद रखिएगा किसको पढ़ रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से आंसर लगाना, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। लिख लो इसको,
बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। हाँ अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आई इस वाले पे, रिसेंटली इंडिया और यूएस ने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना क्वाड का सम्मिट हुआ था, कहाँ गए क्वाड के सम्मिट के लिए, टोक्यो जापान। तो यहाँ पे टोक्यो जापान में यह पिक्चर देख सकते हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट, क्वेश्चन आएगा ये किसके साथ साइन हुआ है, तो लिख लीजिए ये वाला। ठीक है भाई, नाम नाम इम्पोर्टेंट है बस, और तो कुछ नहीं इसमें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हो, ये तो अब चेंज भी हो गए एक्चुअली में ये, तो इसको छोड़ दो अब, तो ये तो पुराना अब हो गया, इसमें पर्सन चेंज भी हो गए हैं। ठीक है मैम, लिखने तो दो, लिखना लिखा नहीं क्या अभी तक, मैंने इतनी देर तक छोड़ा मतलब रख ही रखा कि तुम लोग लिख लो, लिख लो जिसका रहता है वो लिख लो। हो गया अब अग्रीमेंट वाली स्लाइड, ठीक है अग्रीमेंट वाली स्लाइड ये रही, लो इसमें से लिख लो। अब लिख लिया, हाँ आप लोग पीडीएफ से भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोबारा से तो रीड करोगी, यू कैन राइट इट विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ आल्सो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे बसावा जयंती, बसावा जयंती में जो है जगत गुरु बसवेश्वरा को ट्रिब्यूट देने के लिए। ये पर्सन कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है कर्नाटका से बिलोंग करने वाले, ठीक है पर्सन है जिनको वहां पर बहुत ज्यादा एक माना जाता है। ठीक है तो लिख लीजिए बसावा जयंती या बसावा पर्सन रिलेटेड है कर्नाटका से। कर्नाटका आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कोगादू के लिए याद रखना है, याद है कल मैंने बताया था कोगादू के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनके लिए याद रखना है। आपको याद रखना है कर्नाटका वो प्लेस है जहां पे से कावेरी रिवर निकलती है, ठीक है मैं बता रही हूँ फैक्ट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं कर्नाटका से जुड़े हुए। ठीक है उसके अलावा आपको कर्नाटका के बारे में और क्या याद रखना है जो आपको ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। दूसरा, भारत के जो हाईएस्ट वॉटरफॉल्स हैं झरने, बताएगा कोई कौन सा है भारत के सबसे ऊंचे झरने, हाईएस्ट वॉटरफॉल? कुंचिकल फॉल। यस कुंचिकल, कुंचिकल कुंचिकल फॉल्स, ये कुंचिकल फॉल्स जो है ये भी कर्नाटका में है। ठीक है क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछेगा कि कुंचिकल फॉल्स का पूछ सकता है, ठीक है या फिर आपसे पूछ लेगा कुंचिकल फॉल्स कौन से रिवर पे है, रिवर का नाम लिख लो भाई, शारावती रिवर पे है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ये कुंचिकल फॉल्स कहाँ है, ये है शिवमोगा, शिवमोगा एरिया ऑफ कर्नाटका में। तो कर्नाटका को आपको इन चीजों के लिए याद रखना है, प्लस याद रखना है कर्नाटका जो है कॉफी के लिए जानी जाती है, बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी इन इंडिया कौन है, कर्नाटका। ठीक है कौन सी जगह, बाबा बुदानगिरी हिल्स, फेमस जगह बाबा बुदानगिरी, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी मतलब एक इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कर्नाटका आपको इन चीजों के लिए याद रखना है। लिख लो यहां तक,
हो गया भाई, आगे लिखेंगे इसके बाद। हाँ भाई नेक्स्ट नोट करिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तहत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया कि भाई किस जगह की जो प्रेस है उसको कितनी आजादी है एक कंट्री में, उसके ऊपर एक इंडेक्स रिलीज किया है। कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, जिसमें इंडिया की इस बार की रैंक कितनी है, 150 इंडिया की रैंक आई है आउट ऑफ 180 कंट्री, जो हमें ये बताता है कि भारत देश में हाउ मच आर प्रेस आर मीडिया इज फ्री टू पब्लिश एनीथिंग, जो कि पहले के समय से डिक्रीज हुई है। यहाँ पर रैंकिंग देखेंगे, ये रही इंडिया की रैंकिंग, और इस चार्ट में आप देखेंगे श्रीलंका नेपाल भूटान हमसे आगे है, और हमसे पीछे कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। ये पूरा एक आपको नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर करने का मौका मिल गया, मतलब किसमें कितना है, किसका कितना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि देश में किसको कितनी आजादी है। मैम टॉप किसने किया था इसमें? आई थिंक टॉप जो है वो यूरोपियन कोई नेशन है, नॉर्वे या फिर फिनलैंड, इन दोनों में से एक ने टॉप किया है। नॉर्वे मतलब इन तीनों, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों में से ये टॉप करते हैं हमेशा इसमें। ठीक है, आपको इंडिया की पोजीशन याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन पब्लिश करता है इसको, दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट लिखते हैं इसमें फिर। यस, इम्पोर्टेंट, लोकपाल, जानते हैं सब लोग लोकपाल को, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, येस और नो फटाफट मुझे बताए, सो दैट मैं अगर पढ़ा हुआ तो मैं ना बताऊं और नहीं पढ़ा हुआ तो मैं थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में कि होते कौन है। ओके गाशु, पता? नो आइडिया। ओके ओके सो अब लिखो जरा पहले लोकपाल, इनको नया ऑफिस मिला है तो पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा कि ये लोकपाल होते कौन है। ठीक है, तो लोकपाल कौन होते हैं लिखिए, ही इज द एंटी करप्शन मैन ऑफ इंडिया, ये भारत के एंटी करप्शन मैन है। अब ये काम क्या करते हैं, ये पर्सन जो है ये भारत में करप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। ये वही पर्सन है जिसके लिए जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है और अन्ना हजारे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन लोगों ने वीडियो बंद। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, हम लोग लोकपाल को डिस्कस कर रहे थे। लोकपाल जो पर्सन है हमारी इंडिया में, ये एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट आया या ये पर्सन कहाँ से आए ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन कहाँ से आए, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एक्चुअली में इंडिया में जो है लोकपाल पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा लोकपाल जैसा कुछ भी नहीं था, ये कॉन्सेप्ट आया है स्वीडन से। लिखो फटाफट से, वी हैव बोरोड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन में क्या बोला जाता है इनको? ओम्बड्समैन। ठीक है, स्वीडन में। फिर क्या हुआ, हमने इंडिया में बोरो किया। इंडिया में कौन ले किया इसको? सबसे पहले, पहली बार इसकी डिमांड उठाई थी सबसे पहली बार ARC ने। वॉट इज ARC? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एक कमीशन आई थी, उन्होंने पहली बार इसकी डिमांड उठाई, पर तब तो मानी नहीं। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते नया नाम निकाला इसके लिए। ये जो नेम सजेस्ट किया है, जो आप नाम देख रहे हैं, ये नेम किसने सजेस्ट किया है? ये नेम सजेस्ट किया LM सिंघवी ने। ये एक MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने नाम सजेस्ट किया, हिंदी नेम लोकपाल। लोकपाल मतलब, लोकपाल का मतलब क्या है? लोगों का, लोक का मतलब हो गया पीपल, पाल मतलब ध्यान रखने वाला, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको केयर टेकर ऑफ पीपल, लोकपाल। ठीक है, तो नेम सजेस्ट किया, उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है अन्ना हजारे, आपने सुना होगा इसके बारे में, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करे थे इसके ऊपर, और फिर फाइनली जब इन्होंने प्रोटेस्ट करे, सरकार ने इनकी मांग मान ली, कब जाके 2019 में, और तब जाकर के भारत को पहला लोकपाल मिला जिनका नाम था PC घोष। और अब PC घोष अब हट गए हैं, अब न्यू लोकपाल भी आ चुके हैं जिनका नया ऑफिस है,
नाम क्या उनका? पी के प्रदीप कुमार मोहंती। ये अब नए आ चुके हैं और इन्हीं को दिल्ली में एक और नया ऑफिस प्रॉपरली दिया गया है, जो कि किसके अगेंस्ट काम करेंगे? करप्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। कोई भी पर्सन करप्शन करता हुआ है या इनके अंडर सब आते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, पूरे पूरे देश के, ठीक है ना, तो उनके लिए काम करेंगे। तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और यही सेम पोस्ट स्टेट लेवल पे भी होगी, और उस स्टेट लेवल पोस्ट का नाम क्या रखा गया है? लोकायुक्त, ठीक है ना। लोकपाल तो एक हो गए, वो इंडिया के हो गए, स्टेट लेवल पे कौन होंगे? लोकायुक्त। लिख लो यहां तक, ये सारे फैक्ट्स वगैरह नोट कर लो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा नोट कर लिया, हटा दूं स्क्रीन ये वाली। आतिफ, ठीक है। तो ये था इनका, जो इनसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपको ऑफिस वगैरह नोट नहीं करना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुछ है, ये सब नहीं पूछता हमसे कोई। हमसे सिर्फ यही पूछता है कहाँ पे क्या चीज है, वो सब बस। नेक्स्ट, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा अभी जूट मिल का क्राइसिस देखने को आया था, जूट के ऊपर प्रॉब्लम हो गई थी। तो जूट का दूसरा नाम क्या होता है? गोल्डन फाइबर, ठीक है। और जूट जो है, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी बना हुआ है, कहां पर? इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? कोलकाता में। भारत सबसे जो है वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर है जूट का, नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज इंडिया, एंड सेकंड वन इज बांग्लादेश, ठीक है, ये भी लिख लो। और भारत में अगर पूछता है कौन है, तो वो है वेस्ट बंगाल, जहां पे सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। ये कुछ जूट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, और जूट का यूजेस, ये आप लोगों को पता है, जूट का सब इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ये वही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगेन ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ ने लॉन्च किया है, ऑपरेशन सतर्क, जिसका नाम क्या है, मतलब जिसका काम क्या है, कि जितनी भी इलीगल जो ड्रग्स, लिकर, गोल्ड, टबैको, इन सब की तस्करियां की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको रोकने के लिए है, ये नाम है इसका ऑपरेशन सतर्क। ठीक है भाई, लिख लेना किस लिए है ऑपरेशन। अभी आपने ऑपरेशन रक्त चंदन पढ़ा, इससे थोड़ी देर पहले आपने ऑपरेशन ये नमकीन पढ़ा, अब नया ऑपरेशन सतर्क, तो ये नाम याद रखिए। नेक्स्ट, भारत के नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो साइंस से जुड़ी हुई सलाहें देंगे, वो है अभी बनाए गए हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद, लिख लीजिए, जो कि पहले, सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से की कैबिनेट उनको साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी हुई सारी खबरें प्रोवाइड करेंगे, ये है इनका मेन काम। ठीक है भाई, ये है इनके इंपॉर्टेंट वर्क, इनको लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये सारा, कौन बनाया गया है वो हमसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले, ये पुराना हो गया करंट अफेयर, ये आप पढ़ सकते हैं इसके बाद। उस समय रामनाथ कोविंद जो है, मतलब उस समय के प्रेसिडेंट थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, वो यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स, जमैका, सेंट विंसेंट, ग्रेनिडेड्स, इन सब की विजिट पे गए थे। तो क्वेश्चन हो सकता है कभी ये पूछ लें कि ये लोकेशन कहाँ पर है, ये जो है वो सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है, ये रही पोजीशन, ये है ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये है नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे है ये कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है, दोबारा बताती हूँ मैं, ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझना। देखो ये ऊपर है कैनेडा, ये है यूएसए, और ये है मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको के साथ में जो ये पूरा एरिया जुड़ा हुआ है, इसका नाम है सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, उसके नीचे पूरा क्या है, ये साउथ अमेरिका, ये है ब्राजील। ठीक है, ये सब लोकेशन। उसी के साथ में ये पूरा रीजन आता है जिसका नाम है कैरेबियन आइलैंड, जिसमें वेस्ट इंडीज, जमैका, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर ही कैरेबियन नेशंस जो हैं, जमैका और सेंट विंसेंट मेरी यहाँ पर अभी रिसेंटली ही हमारे प्रेसिडेंट विजिट करके आए हैं। सो हमसे ये सवाल किया जा सकता है, क्या, कैसे, कब, या फिर नाम वाम पूछ लेंगे, कहाँ पे है, जगह का नाम देके पूछेंगे, लोकेशन क्या है। ठीक है भाई, और यहाँ की एक मेन जगह है किंगस्टन, ये भी लिख लो, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कहां पर है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट इसके बाद HS-200 सॉलिड रॉकेट यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम इसरो ने रिसेंटली यहाँ पर टेस्ट किया है, HS-200 सॉलिड रॉकेट, HS-200 सॉलिड रॉकेट। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लिखो, ऊंच मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। पहले तो बताओ ये ऊंच मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के कौन से एरिया में चल रहा है अभी, कौन से एरिया में ये बन रहा है अभी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलरेडी ऑन गोइंग है ऊंच नदी के ऊपर। ठीक है, ये कौन से रिवर पे चल रहा है, ऊज रिवर पे। करंट अफेयर में क्या चीज है, ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की जो सिचुएशन है, कितना प्रोग्रेस इसने किया है, उसको रिव्यू करने के लिए अभी रिसेंटली कमेटी बैठी थी। ठीक है, सो ये है, बस इसको याद रखिएगा, ये ऊज रिवर पे बनाया गया, और ऊज नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ठीक है, ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी, वहीं पर ही इसको बनाया गया है। ठीक है भाई, न्यूज में है इसलिए पता होना चाहिए। तो एक और यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, सेंटर नहीं कमेटी बनाई है, किसके लिए, रामबन टनल के लिए। ठीक है, तीन एक्सपर्ट्स को यहाँ पर कमेटी में बिठाया गया है, ये देखने के लिए जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है और ये कोलैप्स कर गई है। ठीक है, ये टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनी नहीं है ये, और अंडर कंस्ट्रक्शन के समय में ही ये कोलैप्स कर गई, टूट गई। ठीक है, तो ये रामबन एरिया जो है, ये रामबन में ये हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या इसमें ऐसा, मतलब क्या इसमें खास बात है ऐसी। ठीक है, सो ये रामबन जो है एक जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन से रिवर के किनारे है, इट इज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर चेनाब। ठीक है, और ये वो एरिया है जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक सेंट्रल पॉइंट में काउंट किया जाता है। ठीक है, सो ये अभी रिसेंटली कोलैप्स हुई है, सो हो सकता है इसके रिवर के बारे में पूछ लें, या कौन से नेशनल हाईवे पे, ये बताइए जरा आप लोग, ये कौन से नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है रामबन टनल,
यस, आज के समय में NH-44 पे, पहले NH-1A पे हुआ करता था, बट अब जो नंबरिंग चेंज हुई है उस हिसाब से ये NH-44 पे लोकेटेड है, ठीक है ना? तो ये वही रीजन है बस, इसी ये इसी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन इसलिए बन सकता है। ठीक है भाई, तो ये भी लिख लो अपना यहाँ तक। हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ जी मैम, ये रॉकेट दिखाओ एक बार। अच्छा ये रॉकेट देखना है, ये वाला, ये लो देख लो रॉकेट। डन, चलिए आगे लिखेंगे इसके बाद। एक सेकंड रुकेंगे, मुझे स्लाइड ऐड करने दो। हाँ भाई, नेक्स्ट लिखिए। एक स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने वाला कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है मैं स्पेलिंग लिख देती हूं दोबारा से, स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने वाला एक कंजर्वेशनिस्ट, मतलब जो पर्सन कंजर्व करता है, नाम है उस पर्सन का चारुदत्त मिश्रा। इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है वाइटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है। वाइटले गोल्ड अवार्ड हमेशा दिया जाता है अगर किसी भी पर्सन ने जो है एनिमल कंजर्वेशन में सपोर्ट किया है। तो इस बार का ये अवार्ड इंडिया के एक पर्सन चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, जिसने स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। स्नो लेपर्ड्स को आप जानते हैं, स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? सबसे ज्यादा ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम में सबसे ज्यादा मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स कहाँ है, वर्ल्ड में कौन सी कंट्री के पास है, तो आंसर इज चाइना। पॉपुलेशन की बात करूं तो चाइना के रीजन में स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों में से हो सकता है कईयों ने देखे हो, मैंने तो नहीं देखा है कभी, ठीक है। मेरा कभी जम्मू कश्मीर आना हुआ नहीं, तो जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वहां पर ये मिलते हैं, और लद्दाख में एक जगह है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड कही जाती है। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। ओके, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेना। यही लास्ट करंट अफेयर था, ये सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे आपने नोट कर ही लिए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लो। इसके बाद के जो है वो जून मंथ के स्टार्ट करेंगे, सो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया सब कुछ, यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को? बाकी का हम लोग जो है कल की क्लास में इसी के आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास का जो टाइमिंग है वो
आप लोगों का जो टाइमिंग है, लुम्बिनी नेपाल वाली स्लाइड दिखाना मैम। ठीक है ठीक है, मैं लगा देती हूँ, ये लो। ये वाली वैसे मैं स्लाइड पूरा आप लोगों से शेयर करूंगी, आपको सर, मैंने सर को शेयर कर दिए। ठीक है, तो जिसका भी जो रह जाए वो यहाँ पे कर लेना। कल 8:15 हो सकता है, ठीक है, कल 8 o'clock की जगह देयर कैन बी 8:15 ऑल्सो। ठीक है, तो 8:15 तक मतलब स्टार्ट कर दूंगी मैं क्लास। ठीक है भाई, हो गया यहां तक डन सबका? ओके चलिए, यहां तक कंप्लीट हुआ, बाकी का कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं, इसी के आगे की। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट।